धारण करने वाले पूज्य भगवान शिव जी की इस प्रतिमा के अवसर पर, अनावरण के अवसर पर इस पवित्र मंच पर विराजे हमारे सब लोगों के मार्गदर्शक के रूप में, संत समागम के प्रतिनिधि के रूप में विराजे स्वामी जी दयानंद जी महाराज साहब, जिनके स्नेह अपने आमंत्रण पर हम सब लोग आए हैं, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी प्रकाशानंद जी मंच पर विराजे, प्रातः समय संत समागम के प्रतिनिधि के रूप में विराजे संतगण, अभी भी जिनका उद्बोधन आपने सुना, क्षेत्र के लोकलाडले विधायक और यहाँ के सर्वांगीण विकास की चिंता करने वाले भाई संजीव जी मंच पर विराजे, सर्व कुमार कुमार सभा के अध्यक्ष भाई चंद्रराम जी, हमेशा हमेशा के लिए इस शिव प्रतिमा का निर्माण करके उनकी स्मृति को चीफ मिनिस्टर किया है, जैसे श्री अनूप सिंह जी, गोविंद सिंह जी, राधा सिंह जी, हमारे अनूप सिंह जी, और आज इस कार्यक्रमों को अत्यंत शक्ति श्रोता माताओं बहनों और सभी भक्तगण श्रद्धालु जन भगवान राम ने जन्म लेकर मर्यादाओं को स्थापित किया, वही भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी हम महा ग्रंथों में पढ़ते हैं, ये सब तो सूर्यों की धरती है, इस धरती पर हमारे लोक देवता अनेकों अनेकों रूप में अलग अलग समय पर मानव उद्धार के लिए अवतार के रूप में आए, इस संत समागम की धरती पर धन्यवाद देना चाहूंगा अनूप सिंह जी आपको और आपके परिवार को, आपने बहुत पुण्य का काम किया है, व्यक्ति धन को कमाता है, मैं और मेरे परिवार से आगे सोचता नहीं, आपने उस परमात्मा के बारे में सोचा है, उनके श्रद्धालु जनों को दर्शन करने का सौभाग्य दिया है, जिनकी कृपा से हम सब लोग इस धरती पर आते हैं, हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। श्री अनूप सिंह जी कह रहे थे एक साल से ये मूर्ति बनकर तैयार है, मैं समझता हूं कि शायद ये मूर्ति ये लोग उस घटना के बाद देश में आपने आपने पूरा किया, देश में भी पूरा होगा, यही निर्धनों के में शायद भगवान हमारी बात को मंजूर करने के लिए इस दिन को आज इस अनावरण के दिन के रूप में हम सबके सामने है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर भगवान शिव के रूप में कृष्ण शिव के लिए कहा जाता है यत्र जीवन है तत्र शिव, जहां भी जीवन है वही शिव है, यही कहूंगा कि अवसर है जब हम इस बात का चिंतन करें
मानव ने उस परम परमात्मा ने दी है। एक समय के बाद हम सबको दान गर्वित होना है। हम इस मानव देह को प्राप्त करके परमात्मा का कितना करते हैं, उस सत्कर्म पे चलने का काम कितना करते हैं, यही आज के दिन आत्म चंदन की चिंता का दिन है। मैं इस अवसर पर सब श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं शेखर परिवार का अभिनंदन करना चाहूंगा। इस पवित्र काम के लिए आपने बुलाया, इस मौके पर संतों के दर्शन करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या सड़क के बारे में बात की, क्या सभी मेरी बात जैसा विधायक हो और इसे आसन के लिए सड़क की बात हो, उसमें कभी रह नहीं सकती। सब आपके सचिव जी सक्षम है, मेरी मदद की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर मदद करूंगा। हम सब लोग मिलकर और इस पवित्र दिन पर हम सब लोग मिलकर स्तुति करें। उन्होंने सात दिन तक कथा वाचक और जिस सत्यपीठ से कथा सुनी, हम उसको जीवन में उतारें। आप सबका जीवन सफल हो, आप सबके जीवन में भगवान शिव शांति प्रकृति और अध्यात्म के साथ आपको जोड़ने की प्रेरणा देते हैं।